नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। सब लोग ठीक हैं? तो आज हम तुम्हारे ट्रायंगल के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आपने सब स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन होता है क्या कि वक्त के साथ सब लोग थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। तो चलो आज हम लोग वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, बट याद नहीं रहता है बहुत लोगों को, ठीक है? तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ आपने नाम सुना होगा, जैसे कि सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर या इन सेंटर। एक और टर्म आता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। कुछ ऐसे ऐसे, मतलब यही चार टर्म है जो सेंटर्स के रिलेटेड जो है सारे पढ़ने हैं, सेंट्रॉइड। तो हम देखते हैं पहला जो है वो क्या है, सेंट्रॉइड। सपोज एक ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है, ये कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, और इस ट्रायंगल से होते हुए साइड को बाइसेक्ट करना है। सपोज दैट हम इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, साइड को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। ये साइड बाइसेक्ट होनी चाहिए, ये वाली साइड भी बाइसेक्ट हो रही है और ये तीसरी साइड भी बाइसेक्ट हो रही है। इसको बाइसेक्ट करते हुए एक ऐसी बिंदु पे, एक ऐसे पॉइंट पे मिले, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, सेंट्रॉइड। और उसके अलावा ये जो लाइन है ना, जो साइड को बाइसेक्ट कर रही है, साइड बाइसेक्टर जो है, ये जो लाइन है ये कहलाती है मीडियन। कुछ ऐसे दे देते हैं नाम, नाम क्या है, ए पी, बी क्यू, सी आर, ये क्या है, मीडियन, ठीक है। ये है सेंट्रॉइड, इस पॉइंट पे जो मिलती है, जिस पॉइंट पे साइड को बाइसेक्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहां से याद रखना है कि साइड बाइसेक्ट हो रहा है, साइड दो आधे हिस्से में बट रहा है। यहाँ पे साइड को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, ये कहलाती है मीडियन। और जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे ये मिलती है वो है सेंट्रॉइड, ठीक है। और इसमें कुछ है, और ये पॉइंट जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट होगा, बस यही एक चीज है। तो समझ गए, ये कहलाया सेंट्रॉइड। अब है नेक्स्ट आते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में देखें, ध्यान दें यहाँ पे, ऑर्थो सेंटर में अगेन एक ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर खींचना है, क्या परपेंडिकुलर खींचना है, कुछ ऐसा ले लेते हैं समझाने के लिए, ताकि जो फिगर है मेरा थोड़ा अच्छा बन गया है। परपेंडिकुलर खींचना है साइड पे, अगर ए बी सी है और यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये जिस पॉइंट पे मिलती है ना, यही पॉइंट कहलाता है ऑर्थो सेंटर। और यहाँ भी ये पॉइंट जो है, पी जो है, वो कॉन्ग्रुएंट होती है, क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, ये कहलाता है ऑर्थो सेंटर। और ये चीज ध्यान देना है, ये परपेंडिकुलर है, सारे साइड पे ये जो है ना परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ गए आप। तो ये चीज हो गया ऑर्थो सेंटर के बारे में। नेक्स्ट आते हैं इन सेंटर। इन सेंटर किसको बोलते हैं, अब देखो यहां पे फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। इसको ड्रॉ करने के बाद हम जो है
एंगल को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे कोई एंगल की वैल्यू होगी, ये भी वैल्यू होगी, कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये एंगल जो है बाइसेक्ट हो रहा है, फिर से ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट होगा, अब फिर से ये वाला एंगल बाइसेक्ट होगा, ठीक है। बाइसेक्ट करते हुए एक जिस पॉइंट पे मीट करेगी ना, यही कहलाता है इन सेंटर। बाहर हम लिख देते हैं, यही पॉइंट कहलाता है इन सेंटर। और इस इन सेंटर की मदद से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, तो यही कहलाता है इन सेंटर। और इस पॉइंट ओ से, यहाँ पे पॉइंट अगर पी ले लेते हैं, तो OP एक रेडियस बनाता है। क्या बनाता है? एक रेडियस बनाता है। और इसी रेडियस की मदद से एक सर्कल ड्रॉ करा जा सकता है सर्कल ट्रायंगल के अंदर। तो ये हो गया आपका इन सेंटर। अब हम आते हैं सर्कम सेंटर। हमारा जो लास्ट है वो है सर्कम सेंटर। फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब इसके बाद बाइसेक्ट किसको करना है? साइड को बाइसेक्ट करना है। उस समय क्या था? इन सेंटर में एंगल बाइसेक्ट होता, अब है साइड बाइसेक्ट होगा। जब साइड बाइसेक्ट होगा कुछ इस तरीके से, देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से जिस पॉइंट पे मीट करेगा, इस पॉइंट को पे मीट करते हुए इस पॉइंट से हम एक बाहर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, देखो आप। और रेडियस किसको मान लेंगे? ओ ए है, ओ सी है, ओ बी है, ये सब क्या है? रेडियस है। इसको रेडियस मानते हुए बाहर की ओर एक सर्कल ड्रॉ जब कर सकते हैं, तो ये कहलाता है आपका सर्कम सेंटर। क्या कहलाता है? सर्कम सेंटर। तो यहां हो गया सर्कम सेंटर, ठीक है, हो गया खत्म। तो बस इतना ही बात था। बड़ा ही अच्छा आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड लक, शब्बा खैर, बाय।